नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार के लोगों को बिजली का तगड़ा झटका लगने वाला है और ये झटका कैसे लगने वाला ये सारी खबर बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 23 मार्च को फैसला लेगा। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एससी चौरसिया ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाया है। आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1176.62 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है, जबकि मांग 1516.73 करोड़ की थी। इस तरह स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को 12.01 करोड़ की अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है, जबकि मांग 12.2 करोड़ की थी। बिहार ग्रिड कंपनी को 219.38 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है, जबकि मांग 403.20 करोड़ की थी। यह फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा। गौरतलब है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है, बिजली उपभोक्ता ज़्यादा बिजली बिल आने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बिजली की दर में एक बार फिर से इजाफा किए जाने से लोगों का बजट खराब होने वाला है। बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध महागठबंधन सरकार में शामिल वामदल कर रहे हैं। वामदलों का कहना है कि पहले से ही बिजली दर बहुत ज़्यादा है, ऐसे में फिर से बढ़ोतरी से आम लोगों को परेशानी बढ़ सकती है। तो देखना होगा कि फैसले के बाद आम लोगों को राहत मिलती है या बड़ा झटका लगता है, या फिर जिस तरह से इजाफा होगा तो वैसे में कह सकते हैं कि आम लोगों का बजट बिगड़ सकता है। तो चलिए देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। तो फिलहाल की इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।